नमस्कार, स्वागत है एक भैया नए ब्लॉग में। तो भाई आज बहुत ही ज्यादा खुशी को मौका है, कैसे हम और जा रहे हैं क्रेटा लेवी जा इटेन आज उत दे है उत से लेके आए हैं क्रेटा। बहुत पहले हमारे एक ब्लॉग डाल लो तो कि दीपावली हो ले आने, दीपावली हो ले आ नहीं पाए कछु कारणों से, लेकिन आज जा रहे हैं हमारे बहुत खुशी को मौका है। बिहारी पहले ही ना कर चुको है और ओम रंग के ताहेंगे गाड़ी से हम जो है तो ओम भाई अपने जी हैं और अब अपन चल रहे हैं सागर की तरफ। और हमर बिट्टू ने कर रहे हैं कार से। भाई तुम कैसे आ रहे? बुलेट से। बुलेट गेल में थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है बैंक वैंक की कछु, तो बैंक में टाइम लगेगा और चाचा को मिलो आने रास्ता में, तो चलो जल्दी आ तुम्हारे यहाँ जाइए भाई। भाई तुम कहा जा रहे हो बुलेट से? अलग से हम गाय सर्विसिंग को बिहार लगा नेक्सॉन। अच्छा चलो तो भाई चलो चल गया वापस। तो अब अपन गाड़ी में बैठ हैं और बैठ भी से पहले बजे लगे हैं सीट बेल्ट। कहे सीट बेल्ट है बहुत जरूरी, आप भी लगाओ और सबको लगवाओ सीट बेल्ट लगा के बजे। हमने करे वो हमारे गांव की नदियां पार करी है मोरों ने, खेल जाए नदियां बहुत लंबी चौड़ी है और रोड के भर है, तो अपन नदी में से तैरत तैरत चल रहे हैं आगे की तरफ। बाकी एक नदी अपन ने पार कर ली है और सफलतापूर्वक एक नदियां पार होकर अपन अपनी जान बचा के निकल लाए। तो भैया जैसे तैसे नदिया तो पार कर ली थी, लेकिन आगे देखो तो आगे समुद्र आ गया। खैर अपन ने जो भी पार कर लो है और अब अपन बढ़ चुके हैं आगे की तरफ। उससे पहले अपन ने बैठा रहो चाचा को खेताई से, समय है तो कम, इसे चाचा ने गाड़ी में ही कपड़ा पहने। अब अपन चल रहे हैं आगे को। तो भैया की लाने जाने हैं मार्केट तक। खैर काम तो अपन हो भी है होते, अपन हो जाने हैं बैंक के, न हो जाने हैं दूसरी जगह। तो भैया कहने लगे हमें भी लो आ चलो, अब इन्हों छोड़ भी अपन बाजार में, अपन चल भी बैंक। तो फाइनली अपन बैंक पहुंच चुके हैं भाई। अब इतने का पता कितना टाइम लग रहा है, अब इतने को अपन काम निपटे भी होके बाद चल भी अपन शोरूम। शोरूम जावे से पहले भाई अंकित भैया और ओम है टाटा के शोरूम में, तो टाटा के शोरूम चल रहे अपन। उतरे से उन दो ही जनों में बैठा रहा हूँ, फिर चल रहे अपन शोरूम। अरे भैया बैंक में तो एक घंटा से ज्यादा लग गया यार। तो भैया बैंक के सारे काम से फ्री हो चुके हैं और अब अपन एक नई उम्मीद और एक नई आशा लेके बढ़ चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। बाकी भाई बहुत उत्साह है गाड़ी को, दिल में धक 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 हो रहा है, तो अपन जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं उतरे। तो भैया अब हम हमारे शहर की प्यारी प्यारी गलियों से गुजर के जा रहे हैं टाटा के शोरूम। टाटा के शोरूम में ऐसे चलने का ऐसे होते हैं अपनी नेक्सॉन गाड़ी की सर्विसिंग हो रही है। तो फाइनली जो है भैया टाटा को शोरूम चलिए भाई। एक घंटा से बैठे हमारे, हमें भी नींद आने लगी। वैसे तुम्हारा कर कार आए थे भाई? तो भाई बैठे थे तुम्हारे को इंतजार में। कहाँ? बिहारी। बिहारी तो गए हैं बुलेट लेके। कहाँ? हमारे बहुत बड़ी देर से बैठे हैं इंतजार में। भैया इंतजार में है कि कब है यहां अभी काम हो रहा है और गाड़ी को। अरे बढ़िया भाई करवाओ करवाओ। चलो तो भाई चलिए अपन सीधे डायरेक्ट कहां क्रेटा जो है भाई हर साल ही हुंडई को शोरूम। बैंक वालों काम होगा गुरु साहब? ये तो अपनी से जा रखे हैं। हां शायद अपनी है। तो फाइनली शोरूम आ चुके हैं और आश्रय के अंदर हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। वो जो सामने गाड़ी देख रहा है भैया है अपनी, कहा है भाई ओम? पांच पे पांच पे ओम लगो है भाई, फोटो खींच रही है पांच पे ले रहा है। भाई रूट पैसा देख रहा है भाई, आईफोन 15 को कमाल। कहाँ गाड़ी है कहाँ माओ कैमरा मैन है। चलो भाई जा है गाड़ी जी यहाँ से, आओ गाड़ी के दर्शन कराए। तो जा है भाई गाड़ी। तो इतने की सबरी तैयारियां हो चुकी हैं, बस इंतजार है तो भाई बिहारी भैया को। बिहारी भैया गए हैं थोड़े से काम से, भी पता नहीं कब लौट रहे हैं। जब भी आए हैं तो फिर अपन गाड़ी को उठे भी जी सो की हमने बताओ कि तैयारियां हो चुकी हैं। तो देख लो भैया जी अपनी दोनाली को लोड करें रखे हैं दो ही भैया आ रहे हैं, कब है तुम इशारो करो जी दे धाए। बाकी भैया हमें एक बात समझ में नहीं आई, इतने आदमों में जी भैया टायर भण जा रहा है, देखियो वे लगे देखो देखो देखो, लापरवाही की भी हद हो थे यार, देखियो इन भैया हरों। हाँ
हाँ सर आए देखो उन्हें देखा ही नहीं रहे टायर खोल के घरे ले जाए। अब ओम हमसे कह रहा हो तो के शैम्पू गाय एक के संगे एक फ्री काय नहीं देते गाड़ियाँ। फिर हमने ओम से कही खुदाई पूछ ले उनसे हमारा दिमाग ने खा। तो ये तो गाड़ी से संबंधित कछु वार्तालाप हो रहा है दीपेश भैया और आशीष भैया के बीच में। खैर वे बातचीत कहाती बा हम भी नहीं सुन पाए ना हम आपको जरूर सुनाते। बाकी जी भैया भड़ियाई नहीं कर रहा भाई जी तो अच्छो काम कर रहा है। अब भाई आशीष भैया के संग दीदी खिंचवा रही हैं फोटो सर्विस सेंटर में हैं दीदी। बाकी वे अब फोटो खिंचवा रही हैं। अब देखो भाई बिहारी भैया ऐसे तो आने रहे थे। अब आशीष भैया ने दिमाग लगाओ के नो कैसे बुलाओ जाए। उनने लगाओ फोन बिहारी भैया को कि भाई जल्दी आना चाय पूरी बड़ा जा कच्छू ने मिल दो। तो भैया अब सूटी हमारो ने फ्री की चाय। तो भाई बिहारी भैया भी आ चुके हैं और अब रील बन रही है। रील जो आपने जरूर देखी हुई अगर इंस्टा पे आप फॉलो करा थी हो तो हुंडई शोरूम से दूसरी गाड़ी उठाई ए वजह से मैनेजर साहब ने फूलमाला से आशीष भैया को स्वागत करो और बधाई दी गाड़ी की। तो भैया आपने एक गाना तो सुना ही है कि चोली के पीछे क्या है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि चोली के पीछे क्या है तो आप आराम से कह दीजिए कि आशीष उपाध्याय की गाड़ी। तो भाई मजाक मजाक तो बहुत होगा अब मजाक से हट के कछु बताइए। तो भाई गाड़ी का लुक आपके सामने है जो बैक साइड जो बाजू और आगे से भी आप देखो। गाड़ी के मॉडल की बात करें तो भाई गाड़ी फुल टॉप मॉडल है। सनरूफ भी है अलॉय व्हील भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई गाड़ी में मतलब कोई भी फीचर की कमी नहीं है गाड़ी में। अब भाई वक्त आ गया है पूजा को कैसे घर भी जल्दी पहुँचने हैं। अगर मुहूर्त पर नहीं पहुँची तो फिर एक मुहूर्त है 9:30 के करीब को फिर पूजा हुई है अपनी 9:30 पे। तो अब बारी बारी से सब जना गाड़ी की पूजा कर रहे हैं महाकाली को ध्यान करके अपन गाड़ी की करवी आरती। अब भाई मेन डॉक्यूमेंट और रह गए हैं उन पे 2-3 जगह और साइन हुई हैं। ओके बाद भैया गाड़ी हो गई अपनी कम की भड़े आई कल भड़े आई भाई मतलब जे कछु अपना सामान रखो कीमती चीज बापा नो में रख लीजिए। आओ तो काका रखो भाई देखें यार बहुत सी चीजें हैं ये में भी हमें भी नहीं मिल रही देखा थे माफी काका है ये में काका है भाई का जो काम को है काका वो का है जी सब पेपर हैं गाड़ी के ये भी या वो फास्ट टैग निकाल लीजियो भज्जे जी में रख लीजियो जो फास्ट टैग निकाल लीजियो ये रे काका है ये में जो जो तो चाय नहीं है चल चल आओ अपने जी ने कार ले भज्जा मगदा नो अंकित भी कछु ने कार रहा है काका एक वो कहांगा का बक्कुन के लिए लगांगा वो तो चा चले गए का है स्टेपनी सोई ने कान ने का है स्टेपनी तूने कार ही ले रे इतनी चीजें और हमने निकाल लाई है आ ना माने भाड़े आई नहीं करी है तो हम आई नहीं कछु नहीं है गाड़ी जा रही है हमारा बहुत मिस कर रहे हैं गाड़ी को कैसे वही से हमारों ने सब जनों ने सीखी यार सबने सीखी भाई आज नो गाड़ी ने कोई दिक्कत नहीं गई बहुत बहुत मिस कर रहे हैं भाई ये गाड़ी को बहुत मिस कर का है हमारा पूरा खानदान ने इसे सीखो है जी हम तीन दिन हमारे तीन आदमी तो यही सब सीखे बाकी भाई बहुत प्यारी गाड़ी आई। गाड़ी अपने पास आ चुकी है सब चीजें फाइनल हो चुकी हैं। अब अपन चल रहे हैं अपने घर है वो घर के भैया बहुत इंतजार में बैठे हैं। तो भैया घर है बस 2 किलोमीटर और रहेगा अपनो घर आता तो रात हो गई यार बाकी अपन मुहूर्त पे पहुंच तो जे हैं। काय भाई कितने तक को है 9:30 बजे 9:30 तो फिर रखने पर है मतलब कहूँ रख दे भी कार 9:30 पे चल भी अपन घर है फिर चल भी अपन मंदिर पे 9:30 पे। बाकी भाई आप सबसे प्रार्थना है कि ऊपर वाले से दुआ करियो जीवन भर हमारे इतने काबिल बने रहे।
तो भाई सामलिया सरकार के मंदिर पे गाड़ी आ चुकी है और भाई पहले तय हुई है पूजा। खैर अबे मुहूर्त नहीं है तो गाड़ी को अपन तई खड़ो कर दे भी, घरे ने ले जाए भी। गाड़ी को घरे जब ले चल भी जब सुम मुहूर्त रहे। अब भैया ओम फटाकों की टटिया में आग लगा रहा है, देखिए का होत है। तो भैया गांव में जब कछु नई चीज आते है तो देखो भाई ओखो देखे पूरा गांव इकट्ठो हो जाते है। खैर शहर में जा चीज आपको देखे नहीं मिले। तो फाइनली गाड़ी घरे आ चुकी है और भाई नई दुल्हन जैसा गृह प्रवेश हो रहा है अपनी गाड़ी को। बंद कर ले भैया तुम तो हाँ जाई बंद रहे आंदे आंदे बस वो बीच में रह जाए सेंटर में ऊपर ले आओ तुम तो बस अब तक समझ बस अब रख दे हम गेरों में एक्सपर्ट है सुनो तो हम गेरों में है जो अपने पर में है ब्रेक में और तीन जने एक संगे बैठ के चल। मम्मी और दादी कर रही हैं भाई गाड़ी की अब पूजा और पूजा कंप्लीट अपनी हो चुकी है। घरे भी हो गई, मंदिर पे भी, शोरूम पे भी। अब बताओ भाई के घूम भी कहाँ चल रहे हैं? अच्छी सी जगह को नाम बताओ जहाँ आपको जाने हो, जो आपकी फेवरेट हो ओको नाम बताओ। बाकी भाई ब्लॉग कैसे लोगो कमेंट में बताइयो और गाड़ी की भैया बधाई तो देना ही है। मिलते हैं अगले मजेदार ब्लॉग में।